हेलो बच्चों, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक नई कहानी सुनाऊंगी, शेर और भालू। और अंत में मैं इससे मिलने वाली सीख भी आपको बताऊंगी। तो चलो हम ये कहानी शुरू करते हैं। एक घने जंगल में सालों पहले एक शेर रहता था। वह शेर काफी चालाक था। इसे हर एक जानवर से दोस्ती करके उसका फायदा उठाने में खूब मजा आता था। शेर सबसे अपना काम करवाने के बाद दूसरों को जरूरत पड़ने पर पीठ दिखा देता था। जंगल में सभी को पता चल चुका था कि शेर सबसे दोस्ती करके अपना मतलब निकालता है और फिर दोस्तों की मदद नहीं करता। अब सभी लोग शेर से दूर रहने लगे। जंगल में दोस्तों की तलाश में घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, लेकिन शेर को कोई नहीं मिला। एक दिन वो जब अपनी गुफा में जा रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा भालू भी उसकी गुफा के पास घर बनाकर रह रहा है। उसके मन में हुआ कि इस बार भालू से दोस्ती करके उसका फायदा उठाया जाए। रोज शेर यही सोचता कि किसी तरह भालू से बात हो जाए। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन उसे भालू से बात करने का कोई बहाना नहीं मिला। एक दिन उसने देखा कि भालू तो बूढ़ा है। उसके मन में हुआ कि बूढ़ा भालू मेरे क्या काम आएगा, इससे दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन शेर ने भालू को चिड़िया से बात करते हुए सुना। चिड़िया भालू से पूछ रही थी, आप इतने बूढ़े हो गए हो तो आपके लिए खाना कौन लाता है, आप खाना कैसे जुटाते हो। भालू ने चिड़िया को बताया, पहले तो मैं मछली पकड़कर खा लेता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूखा रहता हूँ, मैं अब शहद खाता हूँ, उसका स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मुझे अंदर घने जंगल में जाना होता है और मधुमक्खियों से शहद लेकर आना पड़ता है। यह सारी बातें सुनने के बाद शेर के मन में हुआ कि मैंने तो कभी शहद चखा ही नहीं है, अब इस भालू से दोस्ती करके मैं शहद का स्वाद चख सकता हूँ। इसी सोच के साथ शेर ने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत शेर भालू के पास गया और कहने लगा, आपने मुझे पहचाना, आप जब जवान थे तो आपने मुझे एक दिन कुछ मछलियां तालाब से निकाल कर खिलाई थी। आपने मेरी इस तरह बहुत बार मदद की है, मैं हर बार खो जाता था और आपसे ही टकराता था। भालू को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि इतने साल पुरानी बातों, हो सकता है कि तभी इसकी मैंने मदद की हो। भालू सोच ही रहा था कि तब तक शेर ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ, कभी भी कोई जरूरत हो तो मुझे याद करना। इतना कहकर शेर अपनी गुफा की ओर चला गया। भालू भी अपने घर चला गया, लेकिन उसके दिमाग में शेर की बातें घूम रही थी। उसने सोचा, कोई तो हो जिससे बात कर सकूं मैं। अगले दिन शेर ने भालू से बातचीत शुरू की। इसी तरह शेर धीरे धीरे भालू से दोस्ती करने लगा। एक दिन शेर ने भालू को अपने घर खाने पर बुलाया। इधर भालू खाने का निमंत्रण मिलने से बड़ा खुश था। उधर शेर ने सोच लिया था कि किसी भी तरह से वो भालू को रात का खाना नहीं खाने देगा। उसके मन में था कि मैं अपना खाना किसी को क्यों दूं? मैं एक ही थाली में खाना लगाऊंगा और उसे जल्दी से खत्म कर दूंगा। रात के समय जब भालू आया तो शेर ने ऐसा ही किया। वो एक थाली में खाना लेकर आया, दोनों साथ में खाने के लिए बैठे। भालू बूढ़ा था तो वो आराम से खाना खाता था। तभी शेर ने तेजी से खाना शुरू किया और कुछ ही समय में पूरा खाना खत्म कर दिया। भालू बहुत निराश हुआ। शेर ने कहा, दोस्त मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ। दुखी मन से भालू वापस अपने घर आ गया। अगले दिन चिड़िया ने भालू से पूछा, क्या हुआ भालू, तुम इतने दुखी क्यों हो। भालू ने रात को शेर के घर में हुई सारी बातें चिड़िया को बता दी। चिड़िया ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें नहीं पता शेर कैसा है, वो हमेशा सबसे दोस्ती करता है फिर उनका फायदा उठाकर चला जाता है, वो कभी किसी की मदद नहीं करता, अब तुम्हें किसी तरकीब से उसे सबक सिखाना चाहिए। इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई। भालू ने भी ठान ली कि वो अब शेर को सबक जरूर सिखाएगा। इसी सोच के साथ भालू एक बार फिर शेर की गुफा में गया। उसने बिल्कुल सामान्य तरीके से उससे बात की। उसने शेर को लगने नहीं दिया कि उसे रात की बात का बुरा लगा है। दोनों बातें करने लगे। बातों ही बातों में शेर ने भालू से पूछा, दोस्त तुम अपना रोज का खाना कहाँ से लाते हो। भालू ने शेर को शहद के बारे में बता दिया। शेर ने शहद का नाम सुनते ही कहा, दोस्त तुमने तो आज तक मुझे शहद चखाया ही नहीं। यह बात सुनते ही भालू के मन में हुआ कि अब शेर को सबक सिखाने का मौका मिल गया है। उसने कहा, तुम्हें शहद खाना है, बस इतनी सी बात, तुम रात को मेरे घर खाने पर आ जाना, मैं तुम्हें शहद खिला दूंगा। शेर बड़ा खुश हुआ। वो रात होने का बेताबी से इंतजार करने लगा।
रात होते ही शेर तेजी से भालू की गुफा की तरफ बढ़ा। शेर के आते ही भालू ने उसका स्वागत किया और बैठने के लिए कहा। उसके बाद भालू ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। शेर ने पूछा, भालू तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? भालू ने कहा, अगर शहद की खुशबू किसी और ने सूंघ ली तो वो यहाँ आ जाएगा, इसलिए दरवाजा बंद करना जरूरी है। अब भालू ने मधुमक्खी का एक छत्ता लाकर शेर के सामने रख दिया और कहा, इसी के अंदर शहद है। जैसे ही शेर ने उसके अंदर मुंह डाला तो उसे मधुमक्खियों ने काटना शुरू कर दिया। उसके पूरे चेहरे पर सूजन हो गई। शेर जिस ओर भी भागता मधुमक्खियां उसके पीछा करती। आखिर में शेर ने भालू से पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि शहद कैसे खाना है? भालू ने तमतमाते हुए जवाब दिया, मैं शहद ऐसे ही खाता हूँ। शेर समझ गया कि भालू ने उससे बदला लिया है, इसलिए वो वहां से चुपचाप चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर किसी से मदद लो तो उसकी मदद करने के लिए भी तैयार रहो। हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता। सबका